आज हम देखने वाले हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में आया हुआ नया अपडेट्स, जो कि मैप्स वगैरह में एकदम बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो मैं आप लोगों को आज दिखाने वाली हूँ मैप्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं, कहाँ कहाँ पे चेंज आया है, क्या क्या हुआ है, वो सारी वीडियो में इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाने वाली हूँ। तो गाइस लेट्स गो। सबसे पहले हम चले जाते हैं एयरपोर्ट। आप देख सकते हो सबसे पहले मेरे घर के राइट साइड में देख सकते हो यहाँ पे एक ये एकदम डिफरेंट हो चुका है। यहाँ पे बस स्टैंड हो चुका है, बन चुका है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको एयरपोर्ट जाके कि एयरपोर्ट में कोई चेंजेस आया है या नहीं आया है। तो वेल यहाँ पे हम एयरपोर्ट में एंटर कर चुके हैं गाइस, और यहाँ पे दो एरोप्लेन है पहले की तरह ही, हेलीकॉप्टर क्या बोलेंगे इसको यार, एरोप्लेन हाँ जो भी हो। ओके गाइस, तो हम यहाँ पे गाड़ी को रोकते हैं और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि गाड़ी से बेटर रहेगा कि मैं आपको हेलीकॉप्टर से राइड करके दिखाऊं कि इस मैप में क्या क्या चेंजेस आया है, और भी बहुत कुछ हम एक्सप्लोर करेंगे इस मैप में। तो गाइस लेट्स गो। हेलीकॉप्टर का जो वो है 8000 पहले की तरह ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। तो गाइस देख सकते हो मैं यहाँ पे हेलीकॉप्टर पे चढ़ गई हूँ, और ये देखो मैप का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा, पहले मरुभूमि लग रहा था, लाइक जैसे हम वो जो क्या बोलते हैं राजस्थान में जो वो होते हैं ना, जो भी बोलते रेगिस्तान, वैसे लग रहा था। पर अभी देखो कितना ग्रीनी ग्रीनी सा लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो गाइस देख सकते हो ये सबसे पहले चेंजेस, आगे आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ ट्रीज़ वगैरह आ गए हैं, और बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह भी अलग अलग यहाँ पे लगाया गया है। तो ये रहा यहाँ का एयरपोर्ट एरिया का चेंजेस, और मैं आपको आगे जाके दिखाऊँगी आगे क्या क्या और हुआ है यहाँ पर। वह इस मैप में बहुत सारे अलग अलग बिल्डिंग्स वगैरह भी आया है, और यहाँ पे वो जो एक घर आता था ना, एक दूसरा वाला घर, वो घर में भी देखो आप कितने सारे पेड़ वगैरह रख चुके हैं, और कितना ग्रीनिशा हो चुका है वो घर भी, बहुत ही मस्त ज़बरदस्त लग रहा है गाइस। तो गाइस अभी आपको मैं यहाँ का पूरा राउंड घूम कर दिखा देती हूँ कि यहाँ पे कैसा एरिया है ये वाला। और बहुत सारे अलग अलग जगह पे ना पेड़ लगाए गए हैं, जैसे कि हमारे पूरे वर्ल्ड में पेड़ की ज़रूरत है। जैसे कि आपको पता है गर्मी एकदम चरम सीमा पर पहुँच चुका है, तो पेड़ लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए लगता है कि इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में भी पेड़ लगाया गया है। तो गाइस यहाँ पे आप सामने देख सकते हो नीचे एक और जगह है जहाँ पे पेड़ लगाया गया है, और मैं आपको ले चलती हूँ आपको वहाँ पे क्या बोलते हैं कार शोरूम की तरफ। तो वहाँ पे मैं आपको कार शोरूम की तरफ दिखा देती हूँ कार शोरूम को किस तरह से चेंज कर दिया गया है। आप लोगों को अभी से ही दिख रहा होगा कि वहाँ पे कितने सारे पेड़ ऐड कर दिए हैं, जबकि पहले यहाँ पे नहीं हुआ करता था। तो गाइस ये है कार शोरूम का जगह, और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ मिलेंगे आपको, और यहाँ पे देखो आपको स्विमिंग पूल भी मिलेगा, और यहाँ पे कुछ पेड़ वगैरह वहाँ पे लगा हुआ है। ये कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे टूटा फूटा बिल्डिंग मिलता है ना, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होते रहते हैं, ये वो एरिया है। और यहाँ पर भी देख सकते हो कितना ही ज़्यादा अलग हो चुका है। और मैं सोच रही थी जाकर कि ये जो स्टंट एरिया होते हैं ना, स्टंट एरिया में जाकर एक बार देख लेते हैं कि स्टंट एरिया में क्या क्या चेंजेस आया है और कि कैसा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टंट एरिया में मुझे कोई चेंजेस नहीं दिख रहा, ये पहले जैसा था बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, यहाँ पे कुछ भी न्यू मुझे नहीं लगा है। वेल हम इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, एरोप्लेन से देखते हैं कि हम इसके ऊपर चढ़ पाते हैं यानी। ओके गाइस, तो हम चलते हैं इधर, बस थोड़ा सा राइट करना है इसको, और बस थोड़ा ऊपर, ओके थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, और ये रहा हमारा लैंडिंग हो चुका है, सेफ लैंडिंग हमने कर लिया है स्टंट एरिया पे। और गाइस मैं यहाँ पे आपको चल कर दिखाने वाली हूँ कि कहाँ तक ये वाले स्टंट एरिया जाता है। तो लेट्स गो, हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे जाकर। और यहाँ पे कुछ भी खास है नहीं, कुछ ओ शिट में गिर गई, कोई बात नहीं है उठ जाते हैं गिरना तो पड़ता है यार, कोई बात नहीं है गाइस। तो गाइस ये वाला देख सकते हो, यहाँ पे हम आगे बढ़ के मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या है। ओके तो आगे, ओके ओ शिट, यहाँ पे गाइस हम गिर चुके हैं, क्योंकि आगे का मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था कि किस तरह से, मुझे लगा आगे और भी होगा, बट वहाँ पे एंड हो चुका था गाइस।